बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी ग्रेट कंट्रीब्यूशंस यानी खिदमात अदा की, उनमें से चंद एक का जिक्र यहाँ किया गया है। जाबर बिन हयान, ही वॉज बर्न इन ईरान। वो पैदा तो ईरान में हुआ लेकिन प्रैक्टिस के लिए वो इराक गए। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर तजर्बाती तहकीक इंट्रोड्यूस यानी मुतारफ़ करवाई। एडास और रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पर बहुत सारी बुक्स लिखी। हिज फेमस बुक्स आर अल नबतात एंड अल हैवान। उनकी फेमस जो मशहूर किताबें थी अल नबतात, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को डिस्कस किया, और अल हैवान में उन्होंने एनिमल्स को डिस्कस किया, मशहूर थी। अब्दुल मालिक असमई, ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। उन्हें पहला मुसलमान साइंसदान समझा जाता है जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। हिज फेमस राइटिंग्स इंक्लूड अल एबल, अरबी में अल एबल कैमल को कहते हैं, ऊँट को कहते हैं, अल खैल यानी हॉर्स घोड़े को कहते हैं, अल वहूश एनिमल एंड खलक अल इंसान यानी इंसान की तख्लीक के ऊपर इन्होंने बुक लिखी। थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट हैं बू अली सीना। बू अली सीना इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। उन्हें मेडिसिन का बानी कहा जाता है एंड कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट, और यूरोप में उन्हें एविसीना के नाम से पुकारा जाता है। ही वॉज अ फिजिशियन, वो एक डॉक्टर थे, फिलासफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट, उन्हें इनमें फल्कियात भी था। वन ऑफ हिज बुक्स है अल कानून फ़ी अलतिब। उनकी मशहूर किताबों में से एक किताब अल कानून फ़ी अलतिब है, जिसे यूरोप के अंदर कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है।